चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कौन बनाने थे अपने दीवार भरे थे जो नहीं भरे थे इसकी इसकी नहीं भरने पे झगड़ा होगा। क्या लगे रास्ता इधर है, छोड़ दो हमारी जमीन पे कब्जा। तो वे तो छोड़ने के लिए तो क्या तैयार है, वे तो उल्टा गाड़ी को लोच करे। आप प्रधानमंत्री जी कह रहे लेकिन गरीबों की कोई मदद नहीं। सर अब तो उम्मीद टूट गई, अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ये बताओ कहाँ से कहाँ तक है ये? ये हम बोल रहे थे वहाँ तक। तो जब भी आए वो देखते, जब वो कानों को खिलाड़ी आए तो वो जो किया गड़ा हुआ है वो। अच्छा वो खंबा जो है। हाँ ये डोल आनी थी यहाँ से और उस बक्से की तरफ बराबर इतनी जमीन इनके से छूटनी थी लगभग यहाँ से डोल जाएगी वो यहाँ से लगभग घूम के जाएगी। अब ये देखते कितनी जमीन में ये सारा जो कोने का हिस्सा है। हाँ, ये सारा मेरे का है। सर मैं बता दूं पहले तो कि मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ और पेंशन आने के बाद में जो मुझे फंड मिला था क्योंकि पैसे मिले थे फंड से उससे मैंने ज़मीन खरीदी थी खेती के लिए। तो उस पर गांव के ही हैं कुछ दबंग, उन्होंने कब्जा कर रखा कुछ ज़मीन पे, 3-4 बीघे ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है जिसकी शिकायत मैंने ज़िले के जो भी उच्च अधिकारी हैं जैसे SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, DM हो गया, SSP हो गया, सभी को मैंने कई कई बार शिकायत कर ली और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वैसे उनका क्या कहना है अगर आप मिलने जाते हैं? हाँ मिलने के लिए जाते हैं तो बस वो एक बड़ा अच्छा जवाब है कि हाँ देख रहे हैं और करा देंगे इसका समाधान बस। जो विपक्ष है जो कब्जा कर रहा है आपकी ज़मीन पे वो किस आधार पे कब्जा कर रहे हैं सर? उनका क्या कहना है आपको? उनका कहना तो बस यही है कि भाई गाली गलौज करते हैं। एक तो हमने कहा उन्हें कि भाई ठीक है जो जो जितनी जितनी ज़मीन है तुम्हारी है, अपना जो भी सही तरीके से कागजों के हिसाब से जो ज़मीन है अपना भाई हमें दो हमारी ज़मीन, छोड़ दो हमारी ज़मीन पर कब्जा। तो वे तो छोड़ने के लिए तो क्या तैयार है, वे तो उल्टा गाड़ी को लोच करें और जान से मारने की धमकी दें। लगातार मुझे तो लगातार धमकियां मिल रही हैं, दूसरे तीसरे दिन धमकी आ जा कि अपना अपना काम कर ले शांति से नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। हाँ आ रही पुलिस, आ रही अभी। सब लग जाएगा पता। ये हैं दो, ये हैं ये सामने खड़े ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रैक्टर से टक्कर भी मारी और दो ये हैं, ये ट्रैक्टर खड़े आज में ट्रैक्टर में टक्कर मारी आ गए इन्होंने अभी। और ये SDM साहब के आदेश पे अब ये मार्किंग करा के गए थे। देखो ये देखो ये मार्किंग हुई यहाँ से, ये पूरी मार्किंग है। अरे तू आ जा पिताजी रहन दे, आ जा। ठीक है मैडम भेज दो जल्दी। ये देखो बना हुआ है, दाखिल खारिज हो रहा, सब कुछ है मेरे पास। छो गाड़ी प्रशासन की आई थी जो इस दीवार को डुबाएगी दोबारा फिर। हाँ यो दीवार कौन सी थी? यारो दीवार ये लंबी की लंबी थी, नहीं उसका फोटो है। हाँ यो है, ये फोटो बनी हुई का है, यो बनी हुई का है फोटो, यो भी है और दुआई हुई का यो है। ये 1.5 बीघा जमीन थी। अच्छा इसका इन्होंने बहना हुआ लिया था 1.5 बीघा का। ये 1.5 बीघा का जो बहना हुआ लिया तो इन्होंने अपने दीवार बनाई, मकान बनाने थे अपने, दीवार भरे थे जो नहीं भरे थे इसकी, इसकी नहीं भरने पे झगड़ा होगा। क्या लगे रास्ता इधर है तो उसमें प्रशासन के पे चले गए, कोई नोटिस नहीं दिया दीवार ढहने का। नोटिस तो चाहता JPC का कोई वो नहीं, मैटर नहीं, मतलब कि हमें कोई प्रूफ नहीं दिया जिस तरह की कि यह दीवार गलत है। जब दीवार गलत है तो मेरे बहनों की जगह कहाँ है? मैं ये सवाल करा
तो आपके इस रास्ते में आपकी जमीन ली जा रही है? मेरी जमीन है जी, मैं बहना वाले रखे हैं जिसका रहने का अधिकार। यह दीवार भरवाई थी प्रशासन ने, प्रशासन ही से डुबा गया जी, प्रशासन डुबा गया। मैं बिना बिना एप्लीकेशन लगाई, मेरी जमीन पेमेंट करके पूरी दी जा, कोई आता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं है जी, 3 साल हो गए। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग यह है जी, रास्ता बिल्कुल सीधा हो जा, वो रास्ता कंगे को हो, चेवरे को हो, चेपरे को। मैन बात यह है, रास्ता सीधा सीधा हो जा, मेरी दीवार अपने आप बढ़ जाए। जब रास्ता सीधा ही नहीं होने का, दीवार में बढ़ नहीं देते। तो आपके पास रहने की जगह है अभी? नहीं जी, किराए पर रह रहा हूँ। तो मैं पिछले पहले जो मकान थे मैं बेच कर या जगह ली थी मैंने, हमें दो भाइयों ने अपना यहाँ मकान बनाए थे, फिलहाल हम किराए पर रह रहे। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में जाकत है मेरे भाई के भी जाकत है, परिवार है। मेरा तो मांग ये थी कि भाई मेरी जो ज़मीन है जिस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और वो उनसे कब्जा मुक्त करा के मुझे दिला दी जाए। और एक मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए क्या भाई, मैं तो अपने परिवार का पेट पालना है, अब खेती बाड़ी करना अपना काम था। मेरे पिताजी भी खेती बाड़ी करते हैं और मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ उनके साथ में। तो अब जो पैसा मिला था मुझे, मैंने वो इसमें लगा दिया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, अब धक्के खाने पड़ रहे रोज अलग से। तो ये तो एक ऐसे हो गया कि बोलते हैं कि पैसा लगा के और विवाद ले लिया। आप संघर्ष कर रहे हैं प्रशासन से भी, आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? सर अब तो उम्मीद टूट गई, अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अब जब डीएम साहब को मैं 2-3 बार जाके शिकायत करी आया, लिखित में देकर आया, वो तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर जब तहसील समाधान दिवस में, तो खैर भाई सबकी समस्याएं सुनी जाती है और उनका निस्तारण भी करा जाता है, ये मैंने सुना था कि ऐसा होता है, पर अभी जब देखा तो होता वहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हमने तो घर दे दिए लोगों को पूरे देश में। हमें तो ये दिखा जी, अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन गरीबों की कोई मदद नहीं। हमें तो अपने उसमें देख लिया, हमें 3 साल हो गए जी, मेरी मदद नहीं हो रही। SDM का जेल लिया, DM का जेल लिया, तहसीलदार का जेल लिया, नायब तहसीलदार का जेल लिया, पटवारी का जेल लिया, और इसके फालतू बताओ कहाँ जाओ। अदौली जी, मानसिकता क्या है इसके पीछे अगर ऐसा हो रहा है? ये गरीबी आदमी, हम गरीबी आदमी हैं, ये अपना दुरते दुर लो, एक इच्छा कह इनका, ये खड़ी पार्टी है। जैसा ये कहे प्रशासन को ऐसा चला है, प्रशासन हमारे कहने दें चलता, इनके कहने से प्रशासन चल रहा जी, योगी सरकार में इनके फोन पर आ जा, फोन पर 20 बार जहाँ एप्लीकेशन दे जीप नहीं आता, पर इनका फोन होते आ जा,